चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ, नौशाद है। नौशाद स्वागत है आपका, सवाल पूछिए जी। नौशाद आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरा साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मैंने भी के लोन का किया था जी, जो एक्चुअली लैब के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के इसने किया था जी। मेरी माँ का प्रॉपर्टी मेरे माँ के नाम से है। हाँ जी, लेकिन उनका एक कारण बताया गया कि एक उनका ज्यादा हो रहा है जी, इस वजह से मेरा लोन नहीं हो सकता। इसके बारे में मुझे पूछना था कि क्या कर सकता हूँ मैं जी। कितना लोन देना चाहते हैं आप? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मैं 16 लाख का मेरा पेपर बन रहा था जी। चलिए बिल्कुल आपको नौशाद एडवाइस दिलवा देते हैं। बलवंत जी, जिस तरह ये बता रहे हैं प्रॉपर्टी इनके मदर के नाम पर है और ये लोन लेना चाहते हैं, इनकी मदर की एज काफी ज्यादा है, इनको लोन मिलने में दिक्कत हो रही है, तो ये फिलहाल ये क्या कर सकते हैं? चारू, मेरे को लगता है नौशाद जी की माँ की जो उम्र ज्यादा है इसकी वजह से बैंक थोड़ा अनिच्छा दिखा रहे हैं लोन देने में। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि या तो ये उनकी मदर से वसीयत बनवा देवे और वसीयत में प्रॉपर्टी है वो अपने नाम लिखवा देवे। अगर वो भी सपोज अगर संभव नहीं होता है तो जितने लीगल उत्तराधिकारी है उनकी मदर के, उन सब की सहमति पत्र है ना, वो अपना लोन के साथ में लगा देवे, लोन एप्लीकेशन के साथ में, कि भाई ये बाकी सब जो उत्तराधिकारी है उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर इस प्रॉपर्टी के सामने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया जाए। तो मेरे हिसाब से आप इनको ये जो लैब चाहिए वो मिल जाएगा जी। चलिए बिल्कुल, तो ये हमारे लोन एक्सपर्ट ने सारे ही आपको स्ट्रैटेजीज बता दी हैं किस तरह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे और लोन पर ही आज हम बात कर रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।